हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा और साई मांजरेकर की फिल्म दबंग 3 आज थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म साल 2010 में आई दबंग का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म के पिछले दोनों पार्ट्स दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं दबंग 3 दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं, उसके लिए आप फिल्म का रिव्यू जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपके देखने के लायक है भी या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। कहानी की शुरुआत एक्शन और कॉमिक अंदाज में होती है, जहां चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान एक शादी में लूटे गए सोने के गहनों को गुंडों से बचाकर उसे वापस दिलवाते हैं। इस केस को सुलझाते हुए चुलबुल का सामना खूंखार माफिया सरगना बाली यानी कि सुदीप किच्चा से होता है, जहाँ चुलबुल को अतीत के अपने वो तमाम घाव याद आ जाते हैं जो अभी भी हरे हैं। बाली ही वो दरिंदा था जिसने पास्ट में चुलबुल से सब कुछ छीन लिया था। अब जबकि बाली एक बार फिर चुलबुल की जिंदगी में तबाही लाना चाहता है, तो चुलबुल के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी वर्दी के फर्ज के साथ साथ परिवार की भी रक्षा करे। चुलबुल अपनी पत्नी रज्जो यानी कि सोनाक्षी सिन्हा से मिलने से पहले खुशी यानी कि साई मांजरेकर से मोहब्बत करता था। असल में चुलबुल की माँ यानी कि डिंपल कपाड़िया ने खुशी को चुलबुल के भाई मक्खी यानी कि अरबाज खान के लिए पसंद किया था, मगर मक्खी को शादी करने में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन तभी चुलबुल के प्यार का ग्रहण लग जाता है। बाली की नजर खुशी पर पड़ती है और वो खुशी को पाने के लिए उतावला हो जाता है। बाली ने चुलबुल के साथ अतीत में ऐसा क्या किया था कि चुलबुल के लिए हिसाब चुकाना जरूरी था? क्या वो बाली से बदला ले पाएगा? क्या वो अपने फर्ज पर कायम रह पाएगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बता दें कि क्रिटिक्स से इस फिल्म को ठीक ठाक रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। पूरी फिल्म में सलमान ही छाए हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है, वहीं सेकेंड हाफ फिल्म की जान है। इंटरवल के बाद फिल्म में चुलबुल और बाली के बीच रिवेंज ड्रामा देखने को मिलता है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना जबरदस्त है कि आप अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठे रहेंगे। हालांकि फिल्म की कहानी इतनी दमदार नहीं है, ऐसा लगता है कि इस तरह की कहानी हम पहले कई बार देख चुके हैं। फिल्म की लेंथ को थोड़ा छोटा किया जा सकता था, फिल्म बहुत लंबी लगती है, लेकिन फिल्म में हर वो मसाला है जिससे आपका छोटी मोटी कमियों पर ध्यान नहीं जाता। प्रभु देवा का डायरेक्शन कमाल का है, उन्होंने सलमान को पर्दे पर अच्छे से उतारा है। प्रभु देवा इस फिल्म को पिछली दोनों फिल्मों से एक लेवल ऊपर ले गए हैं। फिल्म में सलमान को शर्टलेस देखते वक्त पूरे थिएटर में तालियां ही तालियां बजने लगी हैं। बात करते हैं स्टार्स की परफॉर्मेंस की, तो फिल्म में सलमान ने चुलबुल पांडे के किरदार को बखूबी ढंग से निभाया है। उनके दमदार डायलॉग, जबरदस्त एक्शन सीन्स और मजेदार कॉमेडी ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है। वहीं बात करें किच्चा सुदीप की, तो फिल्म में किच्चा सुदीप ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। उनके जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बाली के रोल को उनसे बेहतर कोई और निभा ही नहीं सकता था। सोनाक्षी फिल्म में सभी को पहले से ज्यादा प्रभावित करती हैं। फिल्म में उनके लिए कुछ खास करने के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया वो शानदार था। साई मांजरेकर का डेब्यू भी अच्छा रहा। फिल्म में उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके अलावा फिल्म में सपोर्टिंग कास्टिंग ने भी शानदार काम किया। बात करें म्यूजिक की, तो साजिद वाजिद का म्यूजिक ठीक ठाक रहा। मुन्ना बदनाम हुआ चार्ट बस्टर सॉन्ग बन गया है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप मसाला एंटरटेनर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 स्टार्स दिए हैं।
All right.